Hey, what is up, guys? हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत को आजाद करने में देश के कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी, लेकिन जिस अंग्रेजों से हमारे देश को आजाद करना था उस अंग्रेजों में भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने देश को छोड़कर भारत का साथ दिया था और भारत के लिए लड़े थे, जिन लोगों में मानवता जिंदा थी। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे सैमुअल स्टोक, जिनको आज बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन भारत के लिए इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनको भारत में लोग सत्यानंद कहकर बुलाते थे, जो कि गरीबों के हित के रखवाले थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो हमारे भारत देश में हिमाचल और शिमला मनाली में जो सेब की यानी कि एप्पल की जो खेती होती है वो इनके बदौलती हो पा रही है। इन्होंने ही हम सब लोगों को सबसे पहले सेब की खेती करना सिखाया था और तब लोग सैमुअल को हिमालय का जोजी एप्पल सीड कह के बुलाते थे। दरअसल सैमुअल एक बहुत बड़ी अमेरिका की मशीन कंपनी स्टॉक एंड पेरिस के वारिस थे, लेकिन फिर वो भारत आए। उनके पिता को ऐसा लगा था कि सैमुअल कुछ समय के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सैमुअल की ये ट्रिप उनको एक अमेरिकी से एक भारतीय बना देगी। सैमुअल ने भारत आकर सबसे पहले शिमला के पास कोविड पीड़ित लोगों के लिए सेवा शुरू कर दी, भारतीयों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, उनके तरह रहने लगे और भारत के लोगों के हितों में बहुत सारे नेक काम किए। सैमुअल ने अपने संपर्कों से दिल्ली के बाजार के दरवाजे भी हम लोगों के लिए खुलवा दिए थे। और यदि आज हम सब लोग भारत में सेब खा पाते हैं तो वह सत्यानंद उर्फ सैमुअल की ही देन है, जिसने अपना वतन छोड़ा, वहां की आराम वाली जिंदगी छोड़ी और अपना पूरा जीवन भारत के लिए न्योछावर कर दिया। आज भारत में सैमुअल को बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी कुर्बानी और देश प्रेम के चर्चे आज भी भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में जिंदा है। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको मेरे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। साइनिंग ऑफ TH, गुड बाय।